हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है और यदि आपको इसमें लॉगिन होना है तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि आप पुराने पोर्टल पर ऑलरेडी लॉगिन थे या आप रजिस्टर्ड थे और आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास है तो क्या आप इस पर भी लॉगिन कर सकते हैं? तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है कि हाँ, आप इस पर भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यदि आपने पहले से अपने डिजिटल सिग्नेचर अपलोड कर रखे थे पुराने पोर्टल पर तो न्यू पोर्टल पर भी आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। गाइस, मैं हूं विपिन तोमर, आप देख रहे हैं विपिन क्रेजी गार्डन एंड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉगर। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉगिन और रजिस्टर्ड। यदि आपका पहले से ही यूज़र आईडी और पासवर्ड बने रखे हैं तो आप लॉगिन के थ्रू एंटर कर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर रजिस्टर का आपको टैब मिलता है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। गाइज, न्यू विंडो पर हमें चार स्टेप देखने को मिलते हैं, गेट स्टार्टेड, फिल डिटेल्स, वेरीफाइड डिटेल्स एंड सिक्योर योर अकाउंट। नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड के नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टैक्स पेयर और अदर्स। हम टैक्स पेयर पर क्लिक कर देंगे, उसके नीचे हमारे पैन कार्ड का बॉक्स आ जाता है, यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर राइट कर देंगे। पैन कार्ड नंबर राइट करने के बाद वैलिडेट बटन है राइट साइड में, उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है। इसके नीचे में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको एज ए इंडिविजुअल टैक्स पे रजिस्टर करना है कि नहीं उसके बारे में पूछा गया है, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद नीचे हमें कंटिन्यूटी टैब मिल जाता है, कंटिन्यूटी टैब पर हम क्लिक कर देंगे। गाइस, यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप गेट स्टार्टेड कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा सेकंड स्टेप है फिल डिटेल्स, हम इस पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड ऑलरेडी राइट हुआ है, हमें यहाँ पर अपना लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम राइट करना है। ध्यान देना इस पर है कि लास्ट नेम सबसे पहले राइट करना है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम। नेक्स्ट हमें डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, साथ में हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और रेजिडेंशियल स्टेटस, जो भी आपका रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट वो सिलेक्ट करना है। अभी मैं जल्दी से ये डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। नीचे हमें कंटिन्यू टू टैब मिल जाता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। गाइज, नेक्स्ट विंडो पर हमारी जो बेसिक डिटेल है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पूछा गया है प्राइमरी मोबाइल नंबर और प्राइमरी मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है, प्राइमरी ईमेल आईडी और प्राइमरी ईमेल आईडी आपकी किससे बिलोंग करती है। साथ में यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नीचे में पोस्टल एड्रेस डिटेल है जिसमें आप कंट्री, आपका जिस भी फ्लोर पर रहते हैं, फुल एड्रेस आपको यहाँ पर राइट करना है। मैं ये जल्दी से राइट कर लेता हूँ। नीचे कंटिन्यू टैब मिलता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें अपना OTP एंटर करना है, जो मोबाइल पर OTP आया है, साथ में हमारी ईमेल आईडी पर भी एक OTP आया होगा, दोनों OTP हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो नीचे कंटिन्यूटी बटन है इसको हम प्रेस कर देंगे। गाइज, अभी हमें अपनी वेरीफाई करनी है डिटेल, जो भी हमने यहाँ पर डिटेल फिलअप की है। यहाँ नीचे हमारी बेसिक डिटेल है, यहाँ पे हमें सारी डिटेल देखने को मिलती है। साथ में इधर एडिट का बटन है, तो आप यदि कुछ आपको लगता है कि आपने जो फिलअप करते टाइम पे कुछ मिस्टेक कर दिया तो ये एडिट कर सकते हैं। नीचे में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये भी हमें देखने को मिलती है, आप इसको चेक कर लीजिए, उसके बाद कन्फर्म बटन पर प्रेस कर दीजिए। गाइज, यहाँ पर लास्ट स्टेप शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट को सिक्योर करना है और अकाउंट को सिक्योर करने के लिए हमें यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, और हमें पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना है जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें 8 से लेके 14 तक करेक्टर होने चाहिए, जिसमें अपर केस और लोअर केस दोनों होने चाहिए, साथ में इसमें नंबर भी होना चाहिए और साथ में इसमें कोई भी स्पेशल करेक्टर आप डाल सकते हैं। साथ में जो नीचे कंफर्म पासवर्ड है इसमें भी हमें पासवर्ड एंटर करना है। गाइस, सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज कॉलम में आपको एक मैसेज राइट करना है, लेकिन ध्यान ये देना है कि इसमें आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिखना है, आपको थोड़ा डिफरेंट लिखना है ताकि कोई इसको कॉपी ना कर सके। इसमें एग्जांपल भी दिया है, जैसे माय पेट नेम इज सो एंड सो, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे। लिखने के बाद जो नीचे रजिस्टर का हमें टाइम मिलता है उस पर हम क्लिक कर देंगे। गाइज, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन न्यू पोर्टल पर हो चुका है, यहाँ पर मैसेज भी देखने को मिल जाता है रजिस्टर सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन आईडी भी आती है, साथ में हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह भी सब यहाँ पर देखने को मिलता है। गाइज, अभी हम अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको यूज़ करके अभी हम लॉगिन करेंगे अपने जो इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल है उसके ऊपर। गाइज, लॉगिन पेज पर एंटर योर यूज़र आईडी, हमें अपनी यहाँ पर यूज़र आईडी एंटर करनी है। यूज़र आईडी एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यूटी बटन है, हमें उस पर क्लिक कर देना है। प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर अकाउंट मैसेज पर हम टिक कर देंगे। नीचे हमारा पासवर्ड का कॉलम मिल जाता है,
यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यूटी टैब मिल जाते हैं, उसको हम क्लिक कर देंगे। यदि आपके पास पहले से ओटीपी है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज जनरेट ओटीपी पर आप टिक करके कंटिन्यूटी बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, एग्री टू वैलिडेट मई आधार कार्ड पर हम टिक करके जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक विंडो देखने को मिलती है, जो भी ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आया है जो आधार में रजिस्टर्ड है, हम उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। गाइज, हम इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट पर अभी लॉगिन कर चुके हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।